अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, YSRCP पार्टी के सदर YS जगनमोहन रेड्डी पर आज विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर, इसी एयरपोर्ट में काम करने वाला श्रीनिवास ने चाकू से हमला किया, जिसमें जगनमोहन रेड्डी के हाथ पर वो चाकू लगी। फौरन पुलिस श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया और जगनमोहन रेड्डी को दवाखाना मुंतकिल किया, जहां से वो अपने मकान को भी चले गए। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रहे थे, इसी दौरान श्रीनिवास मिलने के बहाने करीब गया और ये हमला किया। अभी तक हमले की वजह पता नहीं चली, लेकिन एक इतना बड़ा लीडर जिसमें एक शख्स आता है हथियार रखकर और करीब आकर हमला करे तक सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस और एडवांस टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही थी, ये सवाली निशान है उन लोगों पर जो इसके जिम्मेदार हैं। बहरहाल पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, हो सकता है ये कोई पॉलिटिकल अटैक है या फिर किसी की सोची समझी साजिश, ये तो पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जगनमोहन रेड्डी पर जो हमला हुआ है, इससे ये साबित हो गया है कि अब आने वाले इंतखाबात यानी इलेक्शन में सीधा काम कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे कामों का सामना लीडर को करना पड़ेगा। बहरहाल देखना है कि पुलिस क्या नतीजे पे पहुंचती है। अब्दुल खालिद और मोहम्मद इमरान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। भैया रंजन पटेल जगन को सर, जगन को सर, और को सर तुम सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।